Hello guys, welcome to Winners Academy Plus. I hope you're all doing great, and this year 2020 is going to end now in a day or two time. So I hope that new year brings lots of joy and happiness for all of you. तो इससे पिछले वीडियो में मैंने जो CGL 2018 की इंटरव्यू पोस्ट के लिए कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी उसकी वीडियो लगाई थी. काफ़ी उसमें रिस्पॉन्स भी आया, काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किए, और उस कमेंट्स में बहुत से बच्चों ने ये भी पूछा कि सर नॉन इंटरव्यू पोस्ट की कितनी जा सकती है, इसके बारे में भी हमें बताइए. तो वो वीडियो मैं आपके सामने आज लेकर आ गया हूँ, नॉन इंटरव्यू पोस्ट 2018. बहुत ही सिंपल डेटा के साथ, सिंपल वे में मैं आपको ये कट ऑफ तुरंत बता दूंगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए. तो आइए वीडियो देख लेते हैं. तो ये CGL 2018 जिसका रिज़ल्ट अभी आने में थोड़ा समय बाकी है. नॉन इंटरव्यू पोस्ट्स, तो नॉन इंटरव्यू पोस्ट होती हैं जैसे टैक्स असिस्टेंट होती है CBDT में, CBIC में, और ऑडिटर होता है CNAG में, अकाउंटेंट होते हैं CGA में और CNAG दोनों में ही, UDCs की पोस्ट होती हैं कुछ. तो ये सब नॉन इंटरव्यू पोस्ट में आती हैं जिनको 2400 या 2800 ग्रेड पे की ये पोस्ट थी. अब तो पे मैट्रिक्स आ गया है, लेकिन अभी भी सब जानते हैं इन्हीं ग्रेड पे से हैं पोस्टों को. तो ये पोस्ट हैं. तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कट ऑफ, CPT की कट ऑफ. ये मैंने CPT की कट ऑफ इसीलिए लिखी है यहाँ पर कि CPT की कट ऑफ ही मेन मायने रखती है, DST की नहीं रखती. तो वो भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्यों मायने रखती है. तो UR की 539 रही थी CPT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, OBC की 520, SC की 467 और ST की 439. अब इसमें कितने बच्चे अवेलेबल हैं देख लीजिए. UR में अवेलेबल हैं 6,453 बच्चे, और वैकेंसीज कितनी अवेलेबल हैं 5,007. ये सारी हैं इंटरव्यू नॉन इंटरव्यू मिला के टोटल, और इसके अगेंस्ट में इतने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं. OBC में 4,104 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं अगेंस्ट 2,933, तो ऑलमोस्ट 3,000 ही समझ लीजिए वैकेंसी को. SC कैटेगरी में ये 2,436 जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और वैकेंसी हैं 1,723, और ST में 1,305, और ये देखिए 845 वैकेंसी अवेलेबल हैं. टोटल वैकेंसी हैं 11,271 2018 में. तो ये बच्चे सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे भी नहीं, काफ़ी बच्चे स्किप भी करते हैं. तो मान लीजिए अगर 700-800 हज़ार बच्चों ने स्किप भी कर दिया, तो जितनी वैकेंसी हैं ऑलमोस्ट उसी के बराबर जो है बच्चे DV में अपीयर होंगे. तो ये कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है. तो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जो UR में रहेगी नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए वो रहेगी 545 to 548, ये रहेगी फाइनल कट ऑफ. जहाँ तक सवाल OBC का है, तो OBC में भी वही कहानी है, क्योंकि OBC और SC और ST इनके जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो UR कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, तो उनको उसमें भी पोस्ट वो ले लेते हैं अपनी कैटेगरी में ना लेके, तो कुछ पोस्ट इधर की भी वो खींचते हैं. तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप करेंगे, कुछ UR कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे, तो इसकी भी कट ऑफ बहुत नॉमिनल इंक्रीज होगा जो CPT के लिए थी. तो 525 के आसपास इसकी रहने के चांसेस हैं. क्या जहाँ तक सवाल है, तो SC में भी वही केस रह जाएगा, इसकी भी 472 की का फाइनल कट ऑफ जहाँ तक सवाल TA का है, और ST में भी वही केस रहेगा. ये 845 वैकेंसी, 1,305 बच्चे हैं, स्किप भी करेंगे, कुछ इधर भी जाएंगे UR की में को भी क्लियर करेंगे तो वहाँ भी जॉब लेंगे. तो इसका भी 439 थी, तो 442 to 445 मैक्सिमम. तो ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है जहाँ तक नॉन इंटरव्यू पोस्ट का सवाल है. तो ये कट ऑफ एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे इसके रिगार्डिंग. इसके अलावा अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका भी मैं आपको रेस्पॉन्ड करूँगा. जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर जो भी कमेंट होता है उसको पर्सनली अटेंड करता हूँ, रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ. तो इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैन डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड होप टू सी यू गाइज अगेन वेरी सून.